यार इतनी छोड़, जो पकड़ी जाए ठीक है, वापस भेज दे तुझे। क्या कहना चाहते हो? जैसा भी हो उस्तादों की रिस्पेक्ट। उस्तादे मोहतरम, वाह वाह, बस आशीर्वाद नहीं लिया, कोई कमी नहीं रही। यहाँ पे आपको यार हर कलर नजर आता है। हाँ फंक्शन यार, अब ट्रेन तो एक घंटा लेट आएगी, तो हमने कहा यहाँ पे थोड़ा एंजॉय करते हैं। देखो पीछे से मेरा सारा ये व्यू आता है यार, ये बिल्कुल बर्लिन स्टॉप के बिल्कुल सामने है। इतने अस्सलाम वालेकुम यार, इस बंदा ने चिकन शाह जिलानी कहते हैं सबका, एक और मिक्सर के लागू खुश आमदीद कहते हैं। तो आज यार ये हमारे बॉयज़ आए हैं, आज हम इनको लेके जाएंगे बर्लिन। बड़ी मुश्किल से हमने इनको मनाया कि बर्लिन चलते हैं, मतलब लोग होते हैं इधर आके उनको दिल होता है, इन लोगों को मनाना पड़ता है कि भाई बर्लिन चलो। यार यार जर्मन लोग हैं इनको, मतलब वही बात है, इन्होंने इनके ये मुल्क है अब, ठीक है, तो ये घूमते फिरते रहेंगे। ये कहते हैं क्या जल्दी है, तो ये बड़ी अच्छी बात करते हैं साथ भाई। यार असल में ना पाकिस्तान इतना प्यारा था कि बर्लिन जाने का दिल ही नहीं करता। चलो जा थोड़ी तो रज के आ गए थे पाकिस्तान से। यार इतनी छोड़, जो पकड़ी जाए ठीक है, वापस भेज दे तुझे, वापस भेजे वैसे साथ नहीं, वैसे वापस अभी नहीं जाना। नहीं नहीं यार, एक बात है, ये सारा दुनिया अल्लाह ने बनाई, अल्लाह जर्मनी हमारा जर्मनी हमारा और हम जर्मनी के, क्यों क्या कहते हैं मुस्लिम भाई, हमारा ही है, ठीक है, हम ही इसके मालिक हैं। थोड़ा अच्छा, अगर इनको हमने दे दिया तो इट डजंट मीन कि यार हमारा नहीं है। और दूसरा हाँ, हमने इनको कर्जा भी दिया, हमने इनको एक एक, एक वक्त में कर्जा भी दिया, तो ये इनके देखो एक वक्त में दे दिया ऊपर से फिर 18 बार ले भी लिया। देखो ये एहसान फरामोश लोग नहीं है, ये आज भी हम पे एहसान कर रहे हैं उस चीज का, तो मतलब इनका शुक्रिया भी नहीं कर सकते हम उस तरह, क्यों मोहसिन भाई, मतलब ये लोग हम डिजर्व भी करते हैं ना, ठीक है, जितना मुश्किल से ये लोग अब हमें लेके आते हैं वो तो हमें पता है किस तरह। खैर यार अभी हम लोग बस ट्राम वगैरह पकड़ेंगे, पहले हम लोग घंटा लेट हो गए क्योंकि बस यार ये लोग तैयार नहीं होते ना, तो ये चीज बहुत टाइम की पाबंदी यहाँ बहुत जरूरी है, क्यों मोहसिन भाई, स्नात भाई ऐसे ही नहीं है, मतलब कैमरामैन जरा बिजी थे। चलो मेरे भी डाल दो कोई बात, शरीफ मैं ही हूं तो मेरे भी डाल दो। स्टॉप्स के बारे में आपको इसलिए नहीं पता क्योंकि आपको क्या पता है कौन सा स्टॉप है, तो बस आपको ये बताना जरूरी होता है 2-4 मिनट में गाड़ी जाएगी। देखो रिमोट कंट्रोल की तरह जा रहे हैं, ऐसा लगता है बुरहान पैदा इधर हुआ है यार, ऐसे जो है नेचर होगी उसकी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पिछली जो इसकी खेल थी वो इधर ही थी। सर जफर की गाड़ी वो सामने फिर जा रही है, सर जफर बोले तो जिसको पता है उसको पता है, सर जफर नहीं, सर जफरी मतलब दी लेजेंड, अब जिनको पता है उनको पता है, लेकिन सर ने मेरी वीडियो को भी देख लिया साथ भाई, सर मुझे सलाम पेश करेंगे। मोहसिन भाई क्या कहना चाहते हो? जैसा भी हो उस्तादों की रिस्पेक्ट, उस्ताद मोहतरम, देखो उन उस्ताद ने इतनी मोटिवेशन दिया, लाइक अगर वो PhD कर सकते हैं तो यार कोई भी इनसान दुनिया में मतलब कर सकते हैं। यार देखो मैंने उनसे इंस्पायर हुआ, मैंने इंशाल्लाह PhD यहाँ पे अल्लाह खैर करे नसीब में करेंगे। अगर सरजवर PhD कर सकते हैं ना, यकीन करो बुरान और हम सब कर सकते, हम तो सारे वैसे भी कर सकते हैं, और मोहसिन भाई ने तो वैसे भी करनी है इंशाल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह साहब की मोटिवेशन आई है। और ये जो गाड़ी खड़ी है, मोहसिन भाई इस गाड़ी के साथ अपना रिश्ता बताओ। मेरे दोस्त की फेवरेट है, इतना आहे वाह वाह, बस आशीर्वाद नहीं लिया, कोई कमी नहीं रही, चलो कोई बुरान भी आगे नजर कुछ भी नहीं आ रहा। देखिए ये जो लोग हॉस्टल खाली करते हैं वो चीजें छोड़ के चले जाते हैं, और अब कोई भी लेके चला जाए यार, मतलब इनकी सोच ना इस तरह की नहीं होती है, बहुत जगह सोफा भी पड़ा हुआ, इनकी सोच इस तरह की नहीं होती कि यार किसी की हेल्प होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये कहते हैं कि भाई हमारे काम की नहीं है तो दूसरे से यूज़ कर लें, हमारी तरफ से चीज़ बड़ी बड़ी ख़राब हो जाएगी, रंग लग जाएंगे, अमियां स्पेशल ऊपर रख देती हैं कि हमारे बच्चे के बच्चे के काम आएगा। चलो यार अब क्या कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नहीं होता, यहाँ पर जो लोग होते हैं चीज़ छोड़ के चले जाते हैं, और कोई भी हम जैसे न्यू स्टूडेंट्स होते हैं इनको ज़रूरत है तो वो अपने ले कर चले जाए, और हम जब खाली करके जाते हैं रूम सारी चीजें हम भी एक्स्ट्रा बाहर रख के चले जाते हैं, कोई भी पिक कर ले। तो बाग बाग के ट्राम पे पहुंच गया है, बस और एक मिनट लेट हो जाए तो फिर हम तब पहुंच पाते, लेकिन अच्छी बात है पहुंच गए।
जा सकते किसी भी हाल में, प्लेटफॉर्म 8 पे जाना है बस यार, पहुँच जाए बर्लिन। वैसे भी आज धूप बहुत अच्छी है तो मज़ा आता है धूप वाले दिन। आप पहुँच जाए आज इस प्लेटफॉर्म पर गाड़ी जाएगी, दोनों भाई हमारे पीछे आ रहे हैं, वो लोग आ जाए प्लेटफॉर्म 8। अच्छा यार टाइम से पहुँच जाओ तो कोई मसला नहीं था, टाइम से लेट हो तो गाड़ी मिस करती क्यों मौसम भी, फिर आप लेट होगा तो फिर आप मिस भी होगे। भाई कैसा सफर है इस गाड़ी का यार, कमेंट दो। हाय यार वैसे बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब ये इसका अपना प्यार से होती नहीं तो ये यार एक मेरा स्टाइल है करता, ये साथ तो ट्रोलिंग गेम शुरू कर देता। हां असल में जरा कैमरा उधर लेके जोकर रखा हुआ है साथ, ये सही एक्सप्लेन करता है ना। ना एक्सप्लेन तो आप अच्छा करते हैं। हाय मोहसिन भाई बहुत शुक्रिया, हमेशा से एक्सप्लेन भाई अच्छा करता है, वही बस करने की कोशिश करते हैं। मोहसिन भाई का मोहब्बत है कि अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम सलाम। कैसा लगे आपको बर्लिन का इम्प्रेशन पहला पहला? हाय 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 बहुत बहुत अच्छा लगे ना। जो न्यू बंदा आ रहा है उसके लिए ढूंढना मुश्किल है, ये तो एक्सप्लोरर हमारे साथ तो हमारे लिए यार ये पहली होती है, लेकिन वरना मुश्किल है। पहुंचे हैं ब्रेंडनबर्ग गेट में, यहाँ तो कोई परेड शेड चल रही है, कोई इवेंट मुझे लग रहा है इनका है, लेकिन वो बहुत ही मजे का इवेंट है, कितना बड़ा माहौल बनाया हुआ है यार, बड़ा इन्होंने ना वो ऑर्गेनाइज किया। यहाँ पे कोई ना इवेंट का कोई इवेंट हो रहा है चाइनीज वगैरह का, तो यहाँ पे फुल इवेंट हो रहा है, तो जितने भी टूरिस्ट हैं वो थोड़ा गेट के बिल्कुल नीचे वाली साइड पे हैं, तो हम अभी थोड़ी देर तक बस वहाँ जाते हैं। इवेंट इनका अच्छा है यार, ये लोग रिस्पेक्ट देते हैं एक दूसरे के इवेंट्स को, तो इसलिए ये इवेंट्स हो रहा है। ऑब्वियसली इन्होंने कुछ रिक्वेस्ट की होगी इनसे। सामने हमारा ब्रैंडनबर्ग गेट है, सारे का सारा जहाँ पे वहाँ बैठी हुई है, और यहाँ पे आप लोग भाई सारे दोस्त लगवा रहे हैं थोड़ी देर बैठ के, बहुत ही ज़्यादा मज़े की जगह। यहाँ पे आपको इंडियन पाकिस्तानी मिलेगा, आपको बोलेंगे पिक्चर बना दो, तो जैसे हमारे शेहान भाई भी बोलता है पिक्चर बना दो, क्यों तेरी पिक्चर में बनाऊँ यार, इतना ले मोबाइल यार तंग मत कर, खैर मज़े की जगह, बहुत मज़े की जगह, यहाँ पे आवाज इंजॉय करती है। आज सेलेब्रिटी आपको यहाँ पे घूमता हुआ भी शायद नज़र आ जाए यार, क्या मतलब हम लोग भी थोड़ी सेलेब्रिटी से कम थोड़ी हैं। बुरान भाई आप सेलेब्रिटी हो ना, झूठा मैं तो यहाँ झूठ ही बोल रहा हूँ, तू सेलेब्रिटी तुझे कह रहा हूँ, ऑब्वियसली झूठ ही बोल रहा हूँ, तू सेलेब्रिटी हो ही नहीं सकता। यार देखो वो मुझे और मोहसिन भाई को पता नहीं छोड़े कहाँ चले गए, खैर इधर आगे ही कहीं गए हैं, अभी हम उनको ढूंढ लेते हैं। मोहसिन भाई ये कैसी जगह यार, यार वैसे बहुत अच्छी जगह है ना, यहाँ पे आपको यार हर कलर नज़र आता है। हाँ फंक्शन चल रहा है चाइना का कोई, यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, लेकिन हर तरह के कलर आपको नजर आएंगे, हर तरह की सोसाइटी है यहाँ यार। तो अब हम काफ़ी हमने देख लिया गेट, अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि आप में भूख भी लगी हुई है, बहुत भूख लगी हुई है यार, तो हमेशा जो है उस तरफ यार। ये बिल्कुल हम लोग सामने आ गए होटल के, भैया मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी, आपको भी लग रही है? बहुत ज़्यादा, मैं तो अब बर्गर खाना चाहता हूँ, और ये डोनर कबाब पता नहीं क्या यार, डोनर कबाब बहुत मुझे बड़ा फजूल लगता है, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, फीका फीका होता है यार, फीका आप क्या ही बंदा खाए।
लेकिन हाँ किसी किसी को बहुत पसंद होता है। अभी हम लोग यहाँ पे डोनर, ये लोग तीनों खाएंगे, शयान भाई, बुरान भाई और ये हमारे उस्ताद भाई डोनर खाएंगे, और मैं और मोहसिन भाई बर्गर खाना बहुत पसंद करते हैं। ए इतना फिक्का होता है मोहसिन भाई, ये क्या, ये फिक्के लोग हैं, खाना भी इनको अच्छा है क्या इसमें? इसमें सलाद है बस, बस ये साथ में चिकन पीस भी है दो तीन। बीफ लग तो नहीं रहा असम भी, सलाद के छिलके नजर आ रहे हैं। अब इनको इतना तंग करते हैं ताकि ये कहें कि हमने क्यों मंगवाया। लेकिन नहीं यार, हमारा बर्गर आज हम आपको वो दिखाते हैं, लेकिन अच्छा है, फ्राइज आए हुए हैं माशाल्लाह इनके, तो हम तो इनको अपने देंगे नहीं, लेकिन इनके तो खाएं यार, वाह है। तो यार मेरा मोहसिन भाई का बर्गर आ गया और इनके दिल में, ये हमारी पिक्चर्स बना के लोगों को भेज रही है बर्गर के, मैं बर्गर खा रहा हूँ, जाओ जाओ वो भेज बंद था जो खा रहे हो भाई वो कर यार, हम प्यार मोहब्बत से खा रहे इतने मजे के, तो ये है तो यार अभी अभी हमें बुरहान भाई ने ट्रीट दिया, उनका बहुत शुक्रिया। अभी हम जा रहे हैं बर्लिन की बैक साइड पे, बर्लिन HBF की, वहाँ बहुत ही प्यारा यार व्यू है। मोहसिन भाई आपको बुरहान भाई ने ट्रीट दिया, वो कैसा फील हो रहा है यार? सबसे पहले वहाँ पे बहुत अच्छे हैं यार, यार मैं इनके बारे में कुछ और सोचता था, हाँ लेकिन आज आपका वो चेंज हो गया है। अब आपके व्यूज क्या हो गए? बुरहान भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब मैं हाफिज साहब के बारे में यार, अब हाफिज साहब के बारे में ऐसा सोचता है, मेरे बारे में तो कभी ना सोचे, क्या कहता है? इंशाअल्लाह कोई भी नहीं, और आप लोग भी नहीं। चलो यार जाते हैं अब, ये बहुत ही प्यारा व्यू है वहाँ पे, थोड़ा वहाँ पे जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, अब वैसे भी हम लोग थके थके। पाकिस्तान जाके आपको बट कढ़ाई यार, वो बट कढ़ाई कसम से बहुत ज़्यादा अच्छी होगी इधर की चीज़ों से यार। ये इंडिया के बारे में कुछ यार, बहुत मज़ा आया, डोनर कबाब भी खाया और बर्गर भी खाया है यार। बुरहान भी कितने अच्छे हो गए, बुरहान भी कितने अच्छे हो गए यार, मैं बड़ा खुश हूँ। बुरहान भी वैसे ऐसी नहीं है कि साल में एक दफ़ा करते हैं, लेकिन जब करते हैं बहुत ही खुश नहीं करते, तो इनका बहुत शुक्रिया यार बुरहान भाई का। अल्लाह जो है ना आप शयान को तकलीफ दे, हाँ मैं भी लगा था निशात को भी, निशात को भी, और आप दोनों को क्यों ना दे, हमारा आई का नंबर इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बटपट में हम दिल खोल के खिलाएंगे, नहीं बट कढ़ाई। बहुत शुक्रिया यार आपने ट्रीट दिया यार, बुरहान भाई इधर आए ना एक मिनट, क्या हो बुरहान भाई, दी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये बहुत शुक्रिया हमारा यार, ट्रीट दिया ना आप बुरहान भाई को, आप बुरहान भाई को ट्रीट ले लो, बर्लिन का मौसम देखो यार, ये जर्मनी पूरे का मौसम, थोड़ी देर पहले फुल धूप थी और एकदम से जो है ना बादल बन गए, और बहुत ही मजे किया, साइकिलों के ट्रैक पे खड़े और बुरहान भाई बहुत गुस्सा करे, बुरहान भाई का गुस्सा जो है ना यार लेवल है यार, रूल्स रेगुलेशन के बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन ये खुद इशारा तोड़ देते हैं, उस वक्त कहाँ रहे रूल्स रेगुलेशन। मौसम इतना खराब हो चुका है कि अभी जैकेट पहनने पड़े, क्यों बारिश भी हो रही है और एकदम यहाँ पे होती है ये मौसम का, यहाँ पे ये एकदम चेंज होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमें सिर्फ एक शर्ट मिली, तो ये चलता है यार, ये तो सीन यहाँ पे चलता है, क्या हुआ यार, ये तो बड़ी प्यारी जगह कसम से, जिधर हमारे बुरहान भी लेके आए हैं, ये पहले आया हुआ बुरहान, हम पहली दफ़ा मेजर आ रहे हैं 3 महीने में, पहले तो मेरे पास कार्ड नहीं था, अब कार्ड है तो अब मैं आया हूँ, अब मैं घूमता फिरता हूँ, बहुत ही मज़े की जगह है यार यहाँ। क्या कहना चाहते हो मुस्लिम भाई, कैसी जगह है? बहुत प्यारी जगह, ये तो अनकंडीशनल एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा प्यारी है, बहुत आला कमाल जगह, कमाल। यार ये सारी इतनी ज़्यादा अच्छी बैठने की जगह, यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं और हम भाई बेचारे सिंगल बैठे हुए हैं, हम लोग अम्मी अब्बे के पल्ले बैठे हुए हैं इधर, उनकी वजह से कल्ले कल्ले हैं इधर बैठ के, बहुत अच्छा लग रहा यार। अब ट्रेन तो एक घंटा लेट आएगी, तो हमने कहा यहाँ पे थोड़ा इन्जॉय करते हैं, देखो पीछे से मेरा सारा ये व्यू आता है यार, ये बिल्कुल बर्लिन स्टॉप के बिल्कुल सामने है, इतने मज़े का व्यू है, लोग आराम से बैठ के एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को यहाँ पे, यही तो सुकून है, यही तो यार मज़ा है ना।
इतना सीरियस हो गया, काम क्यों कर रहे हैं आप? इधर देख यार असनाथ, ओए हार्ड लुक दे रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं वैसे? यार ऑफिस का काम। ओह माय गॉड, इधर देख तो सही, इधर बैठ के भी पाकिस्तान के ऑफिस का काम। यार ये इस पे क्या ही बोलूं अब मैं, ये लॉयल्टी है मेरी, वीडियो के बाद बोलता हूं। नहीं मेरी लॉयल्टी भी बोलना चाहिए, बकवासी है और क्या है ये, मतलब इधर बैठ के कोई काम करना है यार, जिनके लिए काम किया इधर से भी करेंगे। हाय मतलब छोड़ना कुछ भी नहीं है मोहसिन भाई, इसके इस एग्जाम पे क्या कहना चाहते हो कि इधर बैठ के जो बंदा पाकिस्तान पे काम कर रहा है यार, इसको लालच भी बोल सकते हैं, बेवकूफी बोल सकते हैं इसको, ये कह सकते हैं कि दियाना डिजर्व नहीं था करता, पैसा, लाइक पैसा पैसा, हाँ ये है डिजर्व नहीं करता, वेट वेट सेकंड, ये पैसा लगा के आया ना, ये डिजर्व तो पूरा पूरा करता था। खैर यार ये पता नहीं क्या ही लगा हुआ, बस मैं वीडियो के बाद इससे जरा क्लियरली बात करता हूँ। यार उस दिन हम व्लॉग एंड नहीं कर सके तो आज हम व्लॉग एंड कर रहे हैं, इसके बाद हमने इनको छोड़ने भी जाना है यार, अब ये लोग बेचारे पढ़ना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो अब इनको हम अपनी जगह पे छोड़ेंगे, इनका आपको हॉस्टल टूर भी देंगे कि इनका हॉस्टल कैसा है। इंशाल्लाह होपफुली यार आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक मुझे मेरे मिक्सर बॉयज़ को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। जाते कोई एक अच्छी सी बात कर दे, अच्छी कोई अच्छी सी यार, मुल्क की खिदमत करें सारे। और तू क्यों इधर आ गया, जो है वो करे, पूरी बात सुन लो मेरी। हाँ सॉरी सॉरी, मुल्क की खिदमत करें, मुल्क से बेशक बाहर जाके कर सकते हैं, बेशक मुल्क में रह के कर सकते हैं, बस बोझ ना बने। वाह तो तुम इसलिए बाहर आ गए, हम तो खिदमत करने आए हैं माशाल्लाह।